गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों आज हम पढ़ेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन उडोगोनियम डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा बच्चों ठीक है एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन उडोगोनियम ये चार या चार या पांच मार्क्स तक का ये क्वेश्चन बन जाता है बच्चों ठीक है uh, Udagonium asexually reproduces by formation of two different types of spores during different environmental conditions. Udogonium reproduces asexually by formation of zoospores, which are flagellated spores, which are formed during favorable conditions. जब कंडीशंस फेवरेबल होंगे सराउंडिंग वाटर में उस समय में उडोगोनियम रिप्रोड्यूस करेगा जुवो फोर बना के और ड्यूरिंग एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशन ठीक है और वी ओडोगोनियम रिप्रोड्यूस एस एक्चुअली बाई अ फॉर्मेशन ऑफ अ थिक वर्ल्ड नॉन मोटाइल स्पोर्स कार्ड एकाईनीस ठीक है तो हम इन दोनों को ही आगे एक्सप्लेन करेंगे ठीक है जो ये जुगो बनते हैं जुगो आर अब लार्ज पियर शेप्ड एसेक्सुअल स्पोर्स पियर शेप्ड एसेक्सुअल स्पोर्स पियर शेप्ड मींस बच्चों नाशपति के आकार का ठीक है एंड इट इज मल्टी मल्टीफ्लेजिलेटेड एसेक्सुअल स्पोर्ट टॉफ फ्लेजेला अराइज एट ए वन एंड वन एंड और वी कैन से एट एंटीरियर एंड ठीक है तो यही मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा हाउ डिज जू स्पोर फोर्म वेर एज एक्स आर थिक वर्ल्ड रेडिश ब्राउन कलर्ड स्पोर्स फॉर्म डूर ड्यूरिंग ड्राउट कंडीशन ठीक है बच्चो और जो ये जू स्पोर होता है असल में जूओ स्पोर्स आर नेकेड स्पोर्स Because they do not have a, uh, cell wall. जब ये जर्मिनेट करते हैं उस समय में येलवालीज आर वी कैन से मल्टीफ्लेजेड मोटाइल प्रोटोप्लास्ट पीसीस ठीक है बच्चो एक और बात बताऊंगा दोनों के बारे में जु स्ो और सेल uh, any of the intercalary cells any of the intercalary cells may form echinids as well as zoospores but in case of zoospores generally the cap cells are selected cap cells are selected generally for the formation of zoospores and one zoospore is formed per cell

And the formation is induced by presence of carbon dioxide in surrounding water. That means if carbon dioxide is present in surrounding water, that gives it a biological message to reproduce asexually. And during that conditions it reproduces asexually by formation of zoospores whenever there is an abundance of water present. So, we can say that the presence of carbon dioxide in surrounding water triggers zoospore formation in Udogonium. And what is a zoospore? It is a large, very large, formed one zoospore per cell. Large, pyriform or pear shaped, multiflagellated asexual spore and is formed singly inside a freshly divided cell which is a capsule generally it occurs in a, a capsule although it can occur in any of the intercalary meristem but it prefers a capsule why because capsule is a freshly divided mm -hmm. cell and that freshly divided capsule is full of energy and is, is capable of division and that capsule which is selected for the formation of zoospore तो कोशिश करता हूं पूरा प्रोसेस। उसके बाद आगे बढ़ेंगे जनरली कैप्सल ये कैप्सल है बिकॉज इट है फॉर्म ऑफ आसिस्टेंट स्कार रिजल्टन ठीक है तो होता क्या है बच्चो एट दूट ये मैंने हरा हल्का सा हरा मार्क किया हो बच्चों ठीक है कलर किया हो ये आपको समझाने के लिए कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ठीक है अदरवाइज कलर हैज नथिंग टू डू विद दिस ठीक है इट हैज थ्री वॉल लेयर्स आउटर मोस्ट काइटिनस मिडिल पेक्टिक एंड इनर मोस्ट सेल्युलोजिक तो व्हाट हैपेंस विद एट स्टार्ट दैट एज सून एज इट गेट्स बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन टू रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय फॉर्मेशन ऑफ जूओस्पोर

स्पेस बिटवीन अनर सेल्यूलॉजिक सेल वाल एंड दिस प्लाज्मा प्लाज्माज स्टार्ट फिलिंग विद म्यूसिलेज एंड्रेटेड बाई द सेल इट सेल्फ बाई द प्रोटोप्लास्ट इट सेल्फ दिंकेज कॉन्टिन्यूस श्रिंकेज कॉन्टिन्यूस ठीक है प्रोटोप्लास्ट श्रिंक होता रहता है होता रहता है ठीक है कंटिन्यूस एंड फाइनलीट अटें फाइनली इट अटें पियर शेप ये प्रोटोप्लास्ट पीस है बच्चो ठीक है लास्टली इट अटेंस पियर शेप मैं इसको थोड़ा सा बड़ा बना देता हूं यहां पर इट अटेंस अर शेप ठीक है बच्चो एंड अ स्पेस अगेन इज फिल्ड विद म्यूसीज जो ये खाली स्पेस होगा ठीक है किस किस के बीच में बिटवीन दिस इनर सेलोजिक वाल एंड प्लाज्मा दिशा में कदम चल पड़ा है नाउ वॉट एपन वी नो दैट उ लार्ज रेटिकुलेट क्लोरोप्लास्ट ठीक है फॉर्मेशन ऑफ जूस्पोर रीअरेंजमेंट ऑफ अट रेटिकुलेट क्लोरोप्लास्ट अकर्स इन सच अट स्ट रिमेन्स रिस्ट्रिक्टेड टू लार्जर पोर्शन ठीक है एंड दिस स्मॉलर कॉनिकल पोर्शन इज डिवाइड ऑफ क्लोरोप्लास्ट इस हिस्से में क्लोरोप्लास्ट नहीं रहता है और इसी वजह से ये फाइनली जब जुओ स्कोर बनेगा वी कैन सी दिस कॉनिकल हायलाइन पोर्शन ठीक है नाउ नेक्स्ट स्टेप वॉट लार्ज नंबर नेक्स्ट स्टेप इज डेट वी विल मूव अकॉर्डिंग टू द लिटरेचर ठीक है स शिफ्ट टू दिसन कॉनिकल पोर्शन न्यूक्लियस इधर शिफ्ट हो जाता है ठीक है लार्ज नंबर ऑफ बिलीव फॉर प्लास्ट गॉडीज स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग इन द रीजन ऑफ हेयरलाइन पोर्शन ठीक है एंड फाइनली दीज बेसल बॉडीज वी नो दैट बेसल बॉडीज गिव राइस टू फ्लेजेला फ्रॉम दीज बेसल बॉडीज पर पॉसिबल नहीं लग रहा है एक बार मैं फिर से ड्रा कर लेता हूं, मेरे प्यारे बच्चों बेसल बॉडीज बन गए यहां पर क्लोरोप्लास्ट रह गया ठीक है ये कॉनिकल पोर्शन रह गया नाउ हियर टफ्ट ऑफ फ्लैजेला आराइज शॉर्टर फ्लेजेला इन द फॉर्म ऑफ अ रिंग इन द फॉर्म ऑफ अ कंप्लीट रिंग बच्चों ठीक है एंड लास्टली इज डेवलप्ड आइसपोर्ट क्या होता है असल में दिस इज अ फोटोसेंसिटिव पिगमेंट सिस्टम इट जनरली रिमेन्स एसोसिएटेड एसोसिएटेड विद है बच्चो टूवर्ड्स एंटीरियर होता है आइसपोर्ट के बारे में ज्यादा नहीं जान, जानना है हमको इट इज अ फोटोसेंसिटिव पिगमेंट सिस्टम विच हेल्प दिस फ्रेशली फॉर्म जूस फॉर टू आइर मूव टूवर्ड दोर्स ऑफ लाइट और अवे फ्रॉम द Source of light as per necessity. जैसे जरूरत होगा इफ इट रिक्वायर्स लाइट ठीक है तो जो ये आइसोर्ट होगा यह परसी टूवर्ड दोर्स ऑफ लाइट ठीक है कई बार लाइट इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होता है कई बार लगभग हार्मुल कंडीशन में होता है स्टेज को आ, लेवल का uh, क्या बोलते है सोलर रेडिएशन उस समय में फिर यह आईसपोर्ट सेंस करेगा कि देयर इज डेंजर सो आई द सोर्स ऑफ लाइट सो विदेल अवे फ्रॉम द सोर्स ऑफ लाइट सो दिस इज इट अबाउट द रोल ऑफ आइसपोर्ट और आईस स्पोर्ट जिस तरफ में विकसित होता है डेवलप होता है वो हिस्सा हमेशा एंटीरियर माना जाता है बच्चों ठीक है इन सिंपलर ऑर्गेनिज़म्स में या तोलर एग्जांपल हियर इन दिसल तो ये हिस्सा इसका एंटीरियर बन जाएगा और ये लार्जर large, हिस्सा इसका पोस्टीरियर बन जाता है बच्चों तो इस तरह से लास्ट में द प्रोटोप्लास्ट ऑफ अंजियम कन्वर्ट्स इनटू अ लार्ज पायरिफॉर्म सिंगल मल्टीफ्लेजिलेटेड ग्रीन जूस् ठीक है बच्चों तो हम एक एक करके मैं रीड करना शुरू करता हूं ठीक सिलेक्टेड बिकॉज इट इज अ कैप सेल ठीक है दिस स्टार्टेविंग एज जू स्पोरेंजियम प्रोटोप्लास स्टार्ट श्रिंकिंग ठीक है एंड द स्पेस बिटवीन इनर सेलोलॉजिक सेल वॉल एंड द फिर बाकी स्टेप्स में पीछे बता चुका हूँ बच्चों और ये डायग्राम थोड़ा सा कंफ्यूजिंग जैसे कर रहा है ठीक है क्योंकि एट द टाइम ऑफ रिलीज फ्रॉम पेरेंट बॉडी ठीक है जो स्पोर पूरा बन चुका होता है बच्चों तो आप लोग क्या कर सकते हो मेरे ख्याल में किताब में दिया होता है ना यू कैन स्किप दिस इमेज इस इमेज को पूरा स्किप कर दो बच्चों ठीक है एक्सप्लेन कर दो उसके बाद डायरेक्ट आप यहां आ जाओ ठीक है या तो ऐसा कर सकते हो या दूसरा एक और या तो काम कर सकते हो कि इस पोर्शन को आप इंटेक्ट दिखा दो फिलहाल ठीक है इंटेक्ट दिखा दो ये आप लोग ड्रा कर सकते हो बच्चों ठीक है इस पोर्शन को इंटेक्ट दिखा दो पियर शेप स्ट्रक्चर बना के रख दो ठीक है ऐसे करके ठीक है बच्चों तब ये चार स्टेप में आप लोगों ने डायग्राम भी बना देना है ये तो ये वाला डायग्राम बनाना है मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों ने ठीक है और फाइनली जब ये फाइनली व्हाट हैपेंस व्हेन द फॉर्मड द जूओस्पोरेंजियम ब्रेक्स ट्रांसवर्सली ब्रेक्स ट्रांसवर्सली जस्ट बिलो द कैप एंड जूस्पोर जूस्पोर कम्स आउट एनक्लोज इन साइड आ वेसिकल ये वेसिकल बचो ये म्यूसिलेज ने इसको वेसिकल प्रोवाइड किया है ठीक है ठीक है विद इन एन आर एक घंटा आधे घंटे में दिस और इन फ्यू मिनट सॉरी इन फ्यू मिनट दिस म्यूसिलेजनस सबस्टांस डिजॉल्व एज ए रिजल्ट जूस्पोर बिकम्स फ्री

तो असल में जो डायग्राम बच्चों आप लोगों को कलर करने का कर जरूरत नहीं है हल्का सा इस पोर्शन को आप कलर कर सकते हो बच्चों म्यूसिलेजनस पोर्शन को क्योंकि तो उसका एकमात्र डायग्राम ये बनाना है आप लोगों ने ठीक है बच्चों और जो जूसपोर फॉर्म होता है असल में इस तरह का दिखता है बच्चों ठीक है ये एक्चुअल इमेज है दिस इज कॉनिकल और एंटीरियर है लार्ज मेन बॉडी विच इज ग्रीन इन कलर बिकॉज ऑफें लार्ज क्लोरोप्लास्ट ना द प्रोसेस स्टार्ट विद्रेक्शन ऑफ अ प्रोटोप्लास्ट एज अ रिजल्ट प्रोटोप्लास्ट गेट्स डिटेच फ्रॉम इनर सेल्यूलोजिक वॉल लेज अ कॉन्टिन्यूस and the space between, between plasma membrane and inner cellulosic wall is filled with mucilage and that mucilage is secreted by the cell itself the shrinkage continues and finally the protoplast it becomes pear shaped pear shaped and next is that the chloroplast rearrangement occurs in such a way तो अरेंज हो जाता है कि जो है कॉनिकल पोर्शन है यहां पर क्लोरोप्लास्ट मौजूद नहीं रहता है यह अपने आपको इस लार्जर हिस्से में तक ही रिस्ट्रिक्टेड रखता है ठीक है न्यूक्लियस माइग्रेट टूवर्ड्स दिस हेलाइन रीजन न्यूक्लियस शिफ्ट हो जाता है हेलाइन पोर्शन में नेक्स्ट व्हाट एपन लार्ज नंबर ऑफ बेसल बॉडीज और ब्लू फेरोप्लास्ट डेवलप अराउंड द हेयरलाइन एरिया जो लार्ज हेयरलाइन एरिया होगा बच्चों दिस इज मेन बॉडी इस हिस्से में बेसल बॉडीज एक्यूमुलेट होना शुरू करते हैं और लास्ट में ये फ्लेजेला बनाते हैं सो दैट आवर जूओस्पोर बिकम्स मल्टी फ्लेजिलेटेड स्ट्रक्चर आई स्पॉट डेवलप्स इन द एंटीरियर पार्ट और ये हमेशा याद रखना बच्चों आई स्पोर्ट कहाटेड रहता है बच्चों ठीक है फोटोसिंथेटिक ऑपरेटर्स के साथ ही एसोसिएटेड रहता है आई स्पोर्ट विच इज अ फोटोसेंसिटिव पिगमेंट सिस्टम एंड फाइनलीप्लास्ट चेंजेस इन टू अर्ज ग्रीन naked Bacho because it is a protoplast piece it has no cell wall pear shaped multi flagellated zoospore and finally it comes out by transverse breakage of the zoosporangial wall near distal end zoosporangial wall breaks out transversely at a distal end just below cap and the zoospore comes out enclosed in the Mucilaginous vesicle. And when this mucilaginous vesicle comes in contact with the water, it dissolves immediately, and the freshly formed zoospore is released into open water. Here in open water, this freshly formed large pyriform zoospore swims approximately about for an hour, half an hour or for one hour.

फिलच इ तो जो लंबा आता है बच्चों पांच एक नंबर का आ जाता है ठीक है तो आप लोगों ने इस इमेज को भी शो कर देना है लेकिन अगर जो तीन या चार नंबर का आता है तो इस इमेज को ड्रा करने की कोई जरूरत नहीं रहेगी क्योंकि इमेजेस ज्यादा टाइम लेते हैं ना बच्चों ठीक है अगर फुल क्वेश्चन आ गया पांच एक नंबर का पांच छह नंबर का तो आप लोग ये डायग्राम भी आपको बनाना जरूरी हो जाएगा कि जैसे ही ये ये से रिलीज हो जाता है है ठीक स्विम करता है थोड़ी देर आधा घंटा घंटे के आसपास फिर ये सेटल हो जाता है एट बॉटम उसके बाद अपने फ्लेज को रिटेक्ट कर लेता है एंड देन इट डिवाइड्स एंड रिडि न्यू वेजिटेटिवियम विच इज आय

Echinus are uh, formed and Echinus are very thick walled. Reddish brown spores formed singly inside any intercalary cell. Why reddish brown? Because it has to store large quantity of food. It stores starch, it stores some oils, etc. Why? Because it has to perinate unfavorable conditions which may prevail for a month or more.

आगे मैं रीड करता रहूंगा बच्चों एकाइनिट्स में भी फॉर्म इन आ चेन ऑफ 10 टू फोर्टीन ठीक है लगभग 10 से 40 इंटर सेल्स लेंथ का ये पार्टिसिपेट कर सकते हैं फिलामेंट के अंदर एकाइनिट बनाने के लिए ठीक है बच्चों ड्यूरिंग एक्सट्रीम कंडीशंस दैट ड्राउट कंडीशन प्रोटोप्लास्ट स्टार्ट श्रिंकिंग एंड इट डिटेचेस फ्रॉम इनर मोस्ट सेल्यूलोजिक सेल वॉल इट स्टोर्स लार्ज क्वांटिटी ऑफ फूड मटीरियल एंड देन सिंथेसाइज इज इट्स ऑन सेलवाल बच्चो वाइल स्टिल रिजाइडिंग इन साइड पेरेंट वाल पेरेंट वाल अलग से है यह जो श्रिंकेज किया हुआ जो ये प्रोटोप्लास्ट पीस, पीस श्रिंक हो जाता है समय यह अपना स्थिक सेलवाल सिंथेसाइज कर देता है बच्चों ठीक है और यह एकट बन जाता है ठीक है, उन ऑफ पेरेंट वाल पानी की कमी हो जाएगी कहीं सूखा सूख जाएगा वो जगह ठीक है जो टेम्प्ररी ये कंडीशन फेस करेंगे इनफेक्ट बच्चों जो टेम्पररी वाटर बॉडीज होते हैं परमानेंट वाटर बॉडी में ये कभी नहीं आएगा टेम्पोर वाटर बॉडीज में ये कंडीशन आ सकते हैं ठीक है कि भाई सीजनल इसमें पानी भरता है फिर बाद में नहीं रहता है ठीक है लेकिन हम फिर देखते हैं कि नेक्स्ट ईयर फिर उग गया है बच्चों वो इन्हीं वजह वजह से से उगता है है एक आई नीड्स की ठीक ठीक वो थिक है थीके? पानी मिट्टी के अंदर चुपचाप पड़े रहते हैं लेकिन एक बात याद रखना है जब ये एक्सट्रीम कंडीशन आता है बच्चों उस समय में हर एक ऑर्गेनिज्म चाहे वो सिंगल ऑर्गेनिज्म हो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म हो चाहे उसका प्रोपेग्यूल हो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होता है बच्चों लीस्ट स्टेज पे होता है उस समय में ये सब नेचर के फिर हमारे मदर नेचर के दिए हुए चीजें हैं ना सिखाई हुई चीजें इस दौरान में ये एकाइनिट अपने मेटाबोलिक एक्टिविटीज को मिनिमम लेवल तक ले आता है और चुपचाप पड़ा रहता है और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएगा एंड ऑन अप्रोच ऑफ फेवरेबल कंडीशंस और फेवरेबल पीरियड्स एकाइनिट ईच ऑफ द एकाइनिट अगेन जर्मिनेट टू प्रोड्यूस अ न्यू वेजिटेटिव प्लांट बॉडी जो इमेज बनाना है बच्चों आप लोगों ने ठीक है ये इन दोनों में से कोई सा तो ये इमेज बना सकते हो या राइट तो साइड वाला इमेज बना सकते हो ठीक है ये मैंने ये वाला मैंने खुद ट्राई किया बच्चे इस बार है ना मैं देख लेता हूँ ठीक है ये थिक वर्ल्ड स्पोर्ट शो करना है बाकी एक्स्ट्रा कलर कुलर आप नहीं भरना चाहोगे तो नहीं भरो हाँ, अगर जब एकज बना रहे हैं तो हल्का सा ब्राउन कलर जरूर कर सकते हो ठीक है क्योंकि ये जो रेडिश ब्राउन कलर के स्पोर्ट बनते हैं प्लस सम ऑयल ठीक है बच्चों तो इसके साथ ही हमारा ये लेक्चर खत्म होता है फिर मिलेंगे अगले लेक्चर के साथ कल तब तक मेरे प्यारे बच्चों खुश रहिए पढ़ते रहिए सुरक्षित रहिए है, है बदनाइस डे